सूत्र दो तत्र सर्वज्ञ प्रेम विजंचित सर्वशक्ति बीजमानंदश्च। अर्थात वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी में सर्वशक्ति एवं आनंद का बीज है, ईश्वर की प्रकृति। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला सर्वशक्ति बीज स्वरूप आनंद और सृष्टि को चेतन बनाने वाला सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप चित ईश्वर या परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है? मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है, अतः अपने ध्यान को वो अंतर में मोड़े तो उसे उस शक्ति और भावात्मक अनुभूति का बोध हो सकता है जो उसकी आत्मा के गुणधर्म है। भोग की वासना के रूप में सर्वसामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाले भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना जो और कुछ ना होकर सर्वज्ञ चित है। बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक 1:27 में लिखा है। अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया।